Hi everyone, welcome to the amazing YouTube channel Study Point. मैं हूं आपके साथ सौरव, आपका chemistry mentor. और आज हम लोग lecture number 10 यानी IUPAC nomenclature का last lecture हम लोग देखने चल रहे हैं. इससे पहले हम लोग 9 lecture cover कर चुके हैं. 9 लेक्चर इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और 10वां लेक्चर ये आपके साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, इससे पहले के कोई भी लेक्चर मिस किए हो तो लिंक आपको मिलेगी कहां, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी. जाइए एक से लगा करके और 9 वीडियो आपको एकदम लाइन से मिलेंगे, सीक्वेंस से. जो भी वीडियो आपने मिस किया है वो आपको जाकर के देखना है. ठीक है, और लेक्चर आज का स्टार्ट करें. इससे पहले आपको पता है कि क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो फटाफट शेयर करो कि आईयूपीएससी का लास्ट लेक्चर चैनल पर स्टार्ट हो गया है, जल्दी से आओ जिससे कि कुछ भी छूट ना जाए आपका. ठीक है, कोई भी चीज ना छूटे. आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि बहुत सारी जगह ये चैप्टर या ये जो पार्ट है आईयूपीएससी का एरोमेटिक वाला, इसको स्किप करा देते हैं. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप लोग रिएक्शंस पढ़ोगे तो आपको उसकी इसकी इंपॉर्टेंस वहां पर पता चलेगी, क्योंकि आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाती नहीं है. फिर जब रिएक्शंस की तरफ आप जाते हो तो आपको बहुत टफ लगने लगता है, यार ये क्या पूछ लिया, ये क्या नाम आ गया, ये क्या आ गया. तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी तब जब आप लेक्चर्स रेगुलर अटेंड करेंगे हमारे चैनल पर. ठीक है, बाकियों का पता नहीं. चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है. ठीक है, लेक्चर नंबर 10 में हम लोग एंटर कर रहे हैं. और इससे पहले कितने वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, 9. क्या क्या पढ़ा हमने 9 वीडियोज में? हमने इंट्रोडक्शन देखा आईयूपीएससी का, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे करते हैं वो हमने आपको बताया लेक्चर नंबर 3-2 में, सैचुरेटेड लेक्चर नंबर 3 में अनसैचुरेटेड. लेक्चर नंबर 4 में आपको क्या बताया गया कि साइक्लिक कंपाउंड्स का नाम कैसे करते हैं. 5 में आपको बताया गया कि साइक्लो कंपाउंड्स का नाम कैसे करते हैं. बाईसाइक्लो स्पाइरो को बताया गया आपको लेक्चर नंबर 6 में. और 7 में आपका स्टार्ट कर दिया गया फंक्शनल ग्रुप. 8th वीडियो में आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया गया. और 9th वीडियो में, 9वे लेक्चर यानी जो आपने इससे पहले का लेक्चर देखा है, उसमें आपको पॉलीफंक्शनल ग्रुप और ईथर के बारे में बताया गया. ठीक है, कोई भी डाउट अगर है आपके दिमाग में तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करते रहिए. जो भी आपके डाउट्स रहेंगे आपको टाइम पर क्लियर करते जाएंगे. ठीक है, अगर आपका डाउट ऐसा होगा कि कोई कमेंट सेक्शन में उसको सॉल्व कर दिया जाए तो वहीं पर उसका आंसर दे दिया जाएगा. ठीक है, और सारी हमारे जो वीडियोस की पीडीएफ है, जो लेक्चर्स यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इनके बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी. तो बार बार आपको बता रहे हैं यार कि टेलीग्राम चैनल है हमारा, जहाँ आपको इन 10 लेक्चर की पीडीएफ वहां पर आ चुकी है. ठीक है, ये जैसे ही अपलोड होगा लेक्चर वैसे ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी. ठीक है, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन सभी लेक्चर्स की तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. अगर आपको लिंक इन केस नहीं मिलती है तो आप नाम से सर्च कर सकते हैं केमिस्ट्री बाई सौरभ सर या केमिस्ट्री विद सौरभ सर. ठीक है, तो वहां आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जाइए उसको ज्वाइन करिए, वहां पर सारे के सारे आपको पीडीएफ हैं अवेलेबल, जाओ उनको डाउनलोड करो और देखो. ठीक है, वैसे तो आप अपने नोट्स खुद से बनाइए, मैं हमेशा से कहता हूँ, लेकिन आपको कहीं कुछ छूट जाता है तो उसके लिए फिर आपके लिए नोट्स हैं. चलो, एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरफ हम लोग मूव कर चुके हैं. एरोमेटिक कंपाउंड में हमें पढ़ना क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमें पढ़ना क्या है. मेन चीज अगर एरोमेटिक में कुछ है तो वो है आपकी बेंजीन. बेंजीन यानी C6H6, यानी ये साइक्लिक सा स्ट्रक्चर और इसमें ये बॉन्ड्स. ठीक है, अच्छा इसको और डिटेल में हम आपको बताएंगे जब हम आपको जीओसी पढ़ा रहे होंगे. ठीक है, जीओसी के टाइम पे एरोमेटिक ये जो आपकी रिंग है इन सबको बहुत आसानी से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इनमें हम लोग
रेजोनेंस देखते हैं, ये सारी चीजें जो आपको आज बहुत टफ लग रही है ना, एक टाइम पर आपको आईयूपीएसी भी बहुत टफ लग रही थी कि सर इसका नाम कैसे करेंगे, इतने सारे फंक्शन ग्रुप आ जाएंगे कैसे लिखेंगे, तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो देखते देखते आपकी आसान हो गई है ना। तो अब हम लोग धीरे धीरे करके वो सारी चीजें भी आसान करेंगे। पहले हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड को आज निपटा लेते हैं, इनसे मिल लेते हैं। तो ये क्या है, सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है, सिंपलेस्ट, एकदम सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, चल एकदम सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है बेंजीन का। अब देखो अगर हम लोग करेंगे क्या, जैसे ये C6H6 जो आपके सामने है, अगर हम यहां से इसके एक हाइड्रोजन को हटा दें और उसकी जगह हम कोई भी प्रीफिक्स लगा दें, जैसे हम मान लो लगा दें कोई भी हैलोजन, कोई भी हम फंक्शन ग्रुप लगा दें, CN लगा दिया हमने, हमने NO2 लगा दिया, हमने COOH लगा दिया, तो इसका नाम कैसे करेंगे। यानी अगर हम सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट को रखें, बेंजीन रिंग हो और साथ में एक सब्स्टिट्यूएंट हो, तो हम कैसे इसका नाम करते हैं वो देखें। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, जो प्रीफिक्स होगा ना सबसे पहले वो लिखा जाएगा, यानी जो आपने एक हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह जो कुछ भी लगाया वो सबसे पहले वो लिखा जाएगा, और उसके बाद हम क्या लिख देंगे, बेंजीन लिख देंगे। सिंपल, चलो तीन एग्जांपल आपके सामने है, ये तो खैर बेंजीन ही है, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा बदल दें, यहां पर हम क्या करते हैं COOH कर दें, ठीक है। तो देखो क्या नाम हो जाएगा, बेंजेनोइक एसिड हो जाएगा, बेंजेनोइक एसिड, इसका नाम तो खैर बेंजेनोइक एसिड है, तो वैसे ये तो नहीं होगा, ठीक है ना, आईयूपीएसी में आया ये तो नहीं होगा, कुछ और करते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर ब्रोमीन होता, ठीक है, तो क्या होता, ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। इस तरीके से करते हैं, इसको हटा दें, देखो ये तो बना नहीं, इसका नाम मान लो यहाँ पर ब्रोमीन होता, इसी की जगह अगर ब्रोमीन होता, मान लो यहां पर हमने BR लगा दिया, तो नाम इसका क्या होता, ब्रोमो ब्रोमो बेंजीन। आसान, एकदम आसान, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका नाम क्या होगा, फ्लोरो बेंजीन होगा क्या, अरे लिख भी लिया क्या आप लोगों ने इतने फास्ट। चलो देखो भाई अगला नाम क्या, इसका नाम लिखें भाई, चलो बताओ क्या, सियानो बेंजीन लिखें क्या, अरे वाह इतना आसान आसान चीज है। नेक्स्ट क्या नाइट्रो होगा क्या, नाइट्रो बेंजीन होगा क्या, यही होगा है ना, यही होगा, ओके। चलो अब अगर हम मान लो हमारे पास C6H6 था, हमने वहां से दो हाइड्रोजन हटाए और ये हो गया C6H4, और दो हाइड्रोजन की जगह हमने कुछ लगा दिया, अब वो कुछ क्या होगा वो भी बताएंगे आगे, अभी फिलहाल ये समझते हैं कि हम इसका नाम कैसे करेंगे। तो इसके नाम में अब आ जाते हैं कुछ पोजीशंस, ठीक है। तो पोजीशन कैसे देखते हैं, जैसे यहां पर आप अगर देखें तो ये जो बेंजीन रिंग बनी है इस पर नंबरिंग है, ठीक है। तो हम पहली पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगली पोजीशंस देखेंगे, जैसे अगर पहली पोजीशन पर मान लो कोई ग्रुप लगा है, ठीक है, पहली पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा है, तो जो दूसरी पोजीशन होगी वो पहली के रिस्पेक्ट में ऑर्थो होगी, तीसरी पोजीशन होगी मेटा और चौथी पोजीशन होगी पैरा। अगर इधर आ जाए तो पहली पोजीशन और सिक्स पोजीशन जो है ना, पहली से सिक्स पोजीशन, ये इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा, ठीक है। अब हमने इधर लिख भी दिया है, ये देखो यहां पर भी लिखा हुआ है कि पहली और दूसरी पोजीशन जो है ना वो ऑर्थो है, पहली से तीसरी पोजीशन मेटा है और ये पैरा। अगर आप इधर आए तो यहां पर हमने एकदम क्लियर लिख दिया है, मान लो कि यहां पर कोई ग्रुप लिखा हुआ है, कोई मान लो फंक्शन ग्रुप कोई भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड मान लो यहां पर है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो कुछ भी यहां पर होगा वो ऑर्थो पोजीशन पर होगा, जो कुछ भी अगर इस पोजीशन पर होगा तो वो मेटा होगा, और जो कुछ भी यहां होगा वो पैरा होगा, इसी तरीके से इधर की तरफ पे, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम चलते हैं ये आपके जो
कुछ क्वेश्चंस। चलो इसका नाम कैसे करेंगे, जो आपके पहले तीन क्वेश्चन, ये फिलहाल कॉमन टाइप क्वेश्चन है, कॉमन नेम टाइप क्वेश्चन है, बट इसको आंसर हम बता देते हैं। इसको कॉमन नेम और आईपीएसी में एक ही तरीके से जानते हैं। जो पहला दिया गया है इसको बोलते हैं बेटा टोलुइन, दूसरा जो दिया गया है, पहला जो दिया गया है इसको बोलते हैं टॉलुइन, और दूसरा दिया गया है इसको क्या बोलते हैं फिनॉल, और तीसरा बेटा अभी अभी लिखा बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये नाम याद होते हैं सभी को। ठीक है, चलिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ये। चलिए अगले क्वेश्चन, अब जो अभी अभी बताया वो चीज यहां पर से शुरू होगा। देखो अब थोड़ा ध्यान से करना क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा और बाकी चीजें हम आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। देखो यहां से हम नंबरिंग भी करेंगे, नंबरिंग करके भी लिखेंगे, ऑर्थोमेटा पैरा भी लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे जितने पॉसिबल नेम होंगे। ठीक है, और फिर कॉमन नेम भी बताएंगे। देखो यहां पर पहली और दूसरी पोजिशन पर है, यहां पर पहला और तीसरा है, और यहां पर पहली पोजिशन और चौथी पोजिशन पर है। एकदम क्लियर है बात, एकदम क्लियर है। चलो नाम क्या लिखा जाएगा सर, पहले वाले का नाम लिखा जाएगा 1.2 डाई मिथाइल, 1.2 डाई मिथाइल और फिर बेंजीन। एकदम आसान सा नाम है। अगर इधर आए तो 1.3 डाई मिथाइल बेंजीन है क्या? ओके, अगर इधर आए तो 1.4 डाई मिथाइल और बेंजीन। ठीक, ये लिख दिया। अच्छा अगला नाम क्या हो सकता है, क्या ऑर्थो डाई बेंजीन नहीं हो सकता इसका नाम, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर है, तो ऑर्थो के लिए हम पूरा ऑर्थो ना लिख करके ओ लिखते हैं सिर्फ। क्या लिखते हैं? ओ ऑर्थो डाई मिथाइल और बेंजीन। ठीक है, बी एन लिख दिया हमने। अगला ये क्या होगा बेटा, मेटा, मेटा के लिए स्मॉल एम, मेटा डाई मिथाइल और बेंजीन। ठीक है, और ये पैरा डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, और यहां पर भी बेंजीन होगा। चलो ये तो हो गया बेटा जो है ना आपके कौन से नेम, आईपीएसी नेम। अगर हम इसकी कॉमन नेम की बात करें, किसकी कॉमन नेम की बात करेंगे, तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटा जो कॉमन नेम है ना, ये आपको क्वेश्चंस में बहुत काम आते हैं। जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कहाँ पर, कन्वर्जेंस के क्वेश्चन, कि जाइलीन से ये बनाइए, तो आपको पता ही नहीं होता जाइलीन क्या है, ये जो आपके सामने लिखा है यही जाइलीन है। ठीक है, तो ये ऑर्थो पोजीशन पर, क्योंकि यहां पर मिथाइल लगा इसलिए ये हो जाएगा ऑर्थो जाइलीन, कॉमन नेम चल रहे हैं ये होगा मेटाजाइलीन, और अगला वाला होगा पैराजाइलीन। एकदम क्लियर हो गया क्या, कोई डाउट ही नहीं रह गया? बहुत आसान है, बहुत ही आसान लेक्चर है आज का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जितना आसान है उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए भाई एकदम क्लियर हो गया यहां तक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, चलो करके बताओ इसका नाम क्या लिखा जाएगा, चलिए बताइए। इसमें क्या हो गया, जहां जहां पर वहां मिथाइल था यहां पर क्या आ गया आपका सॉरी हाइड्रोक्सी, तो नाम क्या होगा पहले वाले का, नाम क्या होगा पहले वाले का, चलिए बताइए क्या नाम होगा। 1.2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1.2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन यही होगा। इसका नाम क्या होगा, 1.3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, बी एन का मतलब बेंजीन ही है वो। ठीक है, नेक्स्ट इसका नाम क्या होगा, 1.4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। एकदम क्लियर, ओके। ऑर्थोमेटा पैरा वाला भी लिख दें क्या,
लिख दें ओके। देखो जो दूसरा वाला पोजीशन है ना, यहां पर क्या आएगा बेटा, ऑर्थो, ऑर्थो डाइहाइड्रो बेंजीन, ठीक है। ये होगा क्या, पैरा, और ये होगा क्या, मेटा, ये क्या होगा, मेटा, ठीक है, और ये क्या होगा बेटा, पैरा, ठीक है। बाकी पूरा नाम ऊपर वाला कॉपी हो जाएगा, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, और मेटा वाले में डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। एकदम क्लियर, एकदम आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन नेम भी बता दें क्या, कॉमन नेम क्या होंगे इसके बता दें क्या। चलो पहले वाले का बेटा जो कॉमन नेम है ना, 1.2 डाई हाइड्रोक्सी वाले का जो कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं कैटिकॉल, कैटिकॉल, ठीक है, कॉमन नेम है इसका, क्या नाम है, कैटिकॉल। दूसरा वाला जो है इसको इसको बोलते हैं रेसोर किनॉल, रेसोर किनॉल, ठीक है, RESORCINOL, रिसॉर्किनॉल। इसको बोलते हैं क्विनोल, QUINOL, क्विनोल, ठीक है, क्विनोल। और ये सब बेटा रिसेंट में ही पूछे गए क्वेश्चंस हैं, कोई वो नया नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना टाइप क्वेश्चन पूछा गया हो, रिसेंट पिछले 1-2 सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं इन पर, ये रिसॉर्किनॉल और क्विनोल पर, रिसॉर्किनॉल और क्विनोल पर रिसेंट में ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है भाई। एक और आप लोग कह रहे हैं, मतलब आप लोगों को पता चला होगा कहीं ना कहीं से कि सर इसका एक और नाम दे सकते हैं, क्योंकि हम मॉडर्न एरा के बच्चे हैं ना, तो कुछ नई चीजें जो आपके IUPAC हैं उन्होंने बताया कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, कि आप बेंजीन लिखो सबसे पहले, फिर जिस जिस पोजीशन पर आपका दिया है क्या OF, उसको हम ऑल भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, पोजीशन लगाओ पहले, 1.2 डाई ऑल, ठीक है, यहाँ डैश लगेगा, 1.2 डाई ऑल, ठीक है। अच्छा यहां पर भी क्या हो सकता है, बेंजीन 1.3 डाई ऑल, यहां पर बेंजीन 1.4 डाई ऑल, एकदम क्लियर हो गया। कुछ नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ बता देंगे इसी चैनल पर, इसी चैनल पर सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा एकदम आसान शब्दों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्या कर दिया, COH लगा दिया क्या, तो एकदम आसान है भाई, क्या करेंगे, बेंजोइक एसिड जोड़ देंगे, बेंजोइक एसिड जोड़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे, ठीक है, और दो है इसलिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम क्या लिखा जाएगा, बेंजीन, बेंजीन 1.2 डाई कार्बोक्सिलिक, कार्ब ऑक्सिलिक एसिड, ठीक है। और अभी बताते हैं इसके कॉमन नेम भी, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, बेंजीन 1.3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया। अगला इसको क्या लिखेंगे, बेंजीन 1.4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए कॉमन नेम बता देते हैं, कॉमन नेम पर एक छोटी सी चर्चा, इसको बोलते हैं बेटा जो पहला वाला है, इसको बोलते हैं फेथलिक एसिड, PTH, सॉरी PTH, फिर से लिख दें क्या, देखो सेकंड, पेन चूज कर लेता हूँ, ये देखो फैथैलिक एसिड, फैथैलिक एसिड हो गया ओके। देखो अगला वाला क्या है, आइसोफैथैलिक एसिड, आइसोफैथैलिक एसिड, ठीक है, और लास्ट वाला टर्फैथैलिक एसिड, टर्फैथैलिक
फैथैलिक एसिड। ठीक है भाई, एक बार देख लीजिए आप लोग, टर्फैथैलिक एसिड। चले आगे, ओके चलो भाई आगे चलते हैं। अब देखिए, अब कुछ कॉमन नेम आ गए। चलो अब यहां पर ये हो गया, अब ब्रोमीन वाले। ठीक है, अब मैं ऑर्थोमेटा पैरा से बताऊंगा, नंबर और करके आप लोग खुद से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कैसे बताऊंगा आपको ऑर्थोमेटा पैरा वाले। देखो यहां पर क्या है, ऑर्थो पोजीशन पर है ना, तो क्या लिखेंगे, ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन, यही लिखेंगे क्या। और अगर नंबर में लिखना चाहें तो 1.2 डाई ब्रोमो बेंजीन। ओके, अगला ये क्या होगा, क्या मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन होगा, क्या डाई ब्रोमो बेंजीन। और नंबरिंग में करेंगे तो क्या होगा, 1.3 डाई ब्रोमो बेंजीन। अगला पैरा ब्रोमो बेंजीन होगा, क्या पैरा ब्रोमो बेंजीन। और अगर नंबर से करते हैं तो 1.4 डाई ब्रोमो बेंजीन। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो गया या नहीं हो गया, चलिए बताइए। अगला क्वेश्चन, अगले कुछ नेम से पहले आप इनको कर लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जल्दी जल्दी से करते रहिए। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नीचे की तरफ देखिए। चलिए इसका नाम क्या होगा, अब OH लगा है, इसको हम पहले भी बता चुके हैं, इसका IUPAC और कॉमन दोनों नेम जो होते हैं वो एक ही है। तो इसका IUPAC नाम है फिनॉल, और बेटा कॉमन नेम भी इसका फिनॉल ही। ठीक है, ये IUPAC नेम है और ये कॉमन नेम। ठीक है, अच्छा दूसरा इसको बोलते हैं बेटा IUPAC में मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। और जब कॉमन नेम में यूज करते हैं तो लिखते हैं टोलुइन। ओके, नाइट्रो बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं, बेंजो बेंजीन एमीन। ये क्या नाम हो गया इसका, IUPAC बेंजीन एमीन। ठीक है, और जब इसका नाम लिखते हैं हम कॉमन नेम करते हैं तो इसको लिखते हैं एनिलीन। क्या लिखते हैं, एनिलीन। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएन लगा है क्या बेंजीन पर, और जब सीएन लगा हो तो क्या लिखते हैं आईयूपीएसी नाम में, बेंजीन कार्बोनाइट्राइड। क्या लिखते हैं, बेंजीन कार्बोनाइट्राइड, कार्बो नाइट्राइड। और इसका जब हम कॉमन नेम करेंगे बेटा तो क्या नाम आएगा इसका, बेंजो नाइट्राइड, बेंजो नाइट्राइड। ठीक है, ओके नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्या इसका नाम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए IUPAC में। ओके, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्ब नीचे लिख रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ओके, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होता है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ओके, अगला बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड होगा, क्या बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, ये नाम है इसका, कौन सा IUPAC। ये जो नाम लिखे जा रहे हैं ऊपर ये सब कैसे हैं, IUPAC नाम है, और जो नीचे लिख रहा हूं वो कैसे नाम है, कॉमन नेम है। ठीक है, अच्छा इसका आप जब कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। क्या लिखते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। क्लियर, ओके नेक्स्ट।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, कार्बन एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में बेटा क्या लिखते हैं, बेंजीन के ऊपर है ये कार्ब एल्डिहाइड, तो इसके लिए क्या लगाते हैं, कार्बेल्डिहाइड लगाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बेंजीन, और फिर क्या लिखेंगे, कार्बेल्डिहाइड, कार्ब और एल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा कॉमन नेम में इसका भी कुछ लिख सकते हैं क्या, बेंजल डिहाइड। कॉमन नेम में बेटा क्या लिखते हैं, बेंजल डिहाइड, ठीक है, कॉमन नेम होता है इसका बेंजल डिहाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कॉमन नेम हम क्या लिख सकते हैं, चलिए बताइए इसका नाम क्या लिख सकते हैं, बेंजीन कार्बोक्सामाइड लिख सकते हैं क्या, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, ये हो गया आईयूपीएसी। ओके कॉमन नेम क्या लिख सकते हैं इसका, चलिए बताइए, बेंजामाइड लिखें क्या, बेंजामाइड, ओके बेंजीन प्लस एमाइड इज बेंजामाइड। नेक्स्ट यहां पर क्या दिया गया है, कौन सा ग्रुप है, पहचान लिया, नाम क्या लिखा जाएगा बेटा, इथाइल, ई कैपिटल हो गया, ओके इथाइल, और फिर उसके बाद बेंजीन कार्बोक्सिलेट, इथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट, ओके। चलिए इसका कॉमन नेम बताइए, कॉमन नेम उसका होता है इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजो एट, हो गया इतना आपने लिख लिया। चलिए बताइए यहां तक कोई भी समस्या है अगर आपको, तो आप वो हमें बता सकते हैं, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि ये चीज समझ में नहीं आई है, ठीक है, ओके। चलिए आगे चलें, चलिए कुछ क्वेश्चंस और हैं, आइए उनको देखते हैं। ये सब बेटा आपको मिलेगा जब मैं आपको रिएक्शंस पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है, तब आपको ये सारी चीजें वहां पर मिलेंगी, और पता भी चलेगा कि ये चीज कहाँ पर कब यूज होगी और क्यों इसका नाम जरूरी है जानना, ठीक है। चलिए तो पहले आईपीएससी और फिर हम जानेंगे कॉमन नेम, ठीक है। अच्छा कुछ चीजों के कॉमन नेम नहीं होते, ठीक है, तो अगर हम पहली चीज इसकी बात करें तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या लिखा जाएगा भाई, मेथॉक्सी बेंजीन, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत ये नहीं है, मेथॉक्सी बेंजीन, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। अच्छा दोनों का कॉमन नेम क्या होगा, दोनों का कॉमन नेम क्या होगा, इसका जो बेटा कॉमन नेम होता है वो है एनिसॉल, एनिसॉल, ठीक है, और जो दूसरा है इसका कॉमन नेम होता है फिनिटोइल, PHENETOLE, फेनेटोइल, ठीक है, ओके। नाउ द लास्ट, ये इसका कॉमन नेम नहीं है बेटा, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, एक ही नाम है इसका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अगला आईयूपीएसी नाम है इसका, अगला SH है, कौन सा ग्रुप है ये, SH थायोल है क्या, नाम क्या होगा इसका, बेंजीन थायोल, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप है तो कौन सा नाम होगा, नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या,
यहां तक कोई दिक्कत? चलिए भाई, अब कुछ नाम और हैं मेरे हिसाब से, दो से तीन नाम और होंगे, और ये दोनों तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है? तो देखते जरूर रहें और देखते के साथ साथ लाइक वाला बटन भी जरूर दबा दें, ठीक है? शेयर तो आपने कर ही दिया होगा अभी तक, तो चलो इसका आईयूपीएसी नियम जानते हैं बेटा। पहले आईयूपीएसी नाम में आप अगर देखेंगे तो आपको एक मिलेगा क्या, एल्डिहाइड, और ये बड़ा है इसलिए एक नंबर, और ये होता है छोटा इसलिए दो नंबर। तो दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी, टू हाइड्रोक्सी लिखा क्या, टू हाइड्रोक्सी। उसके बाद क्या, बेंजल डिहाइड, क्या लिखते हैं, बेंजल डिहाइड लिख दिया। ओके, ये हो गया आईपीसी नाम। कॉमन नेम क्या होता है इसका, कुछ कॉमन नेम भी होता है, सेलिसिल डिहाइड। ये नाम आपको बहुत सुनने को मिलेगा जब आप रिएक्शंस पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना? जब आप रिएक्शंस पढ़ रहे होंगे तब आपको ये नाम बहुत सुनने को मिलता है और आप इसको पहचान ही नहीं पाते कि ये क्या है सेलिसिल डिहाइड। ओके, तो याद रखना है इसका नाम। चलो अब कुछ और है बहुत सिंपल सिंपल से, चलो इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग यहां से ही होगी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत फेमस है ये, ठीक है? ये बहुत फेमस है। तो पहले इसका आईपीएसी नाम लिखते हैं। आईपीएसी नाम क्या होगा बेटा, 2, 4, 6 इन्हीं पोजीशन पर है, ट्राई नाइट्रो, नाइट्रो है कि नहीं बोलो, नाइट्रो है। और उसके बाद ये क्या टॉलुइन है, नहीं पूरा स्ट्रक्चर अगर आप बेंजीन के साथ में इन नाइट्रो नाइट्रो को हटा दो तो क्या है, टॉलुइन है, तो क्या लिखेंगे, टॉलुइन हो गया ना। अच्छा, कॉमन नेम में अगर पूछेंगे तो कॉमन नेम क्या है, टीएनटी है कि नहीं, टीएनटी, ठीक है? ये एक बहुत ही विस्फोटक बम है, बॉम्ब। चलिए चलिए भाई, आज का ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, सॉरी, ये जो ऊपर वाला आपने देखा है ये बेटा पिक्रिक एसिड है, सॉरी ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ये OH की जगह CH की वजह से ये गलती हम कर रहे हैं, ठीक है? ओके, तो इसका नाम बेटा क्या होगा, पिक्रिक एसिड होगा, पिक्रिक एसिड, ठीक है? इसलिए हर क्वेश्चन को मैं दोबारा से देख लेता हूँ कि कहीं कुछ हो सकता है बाई मिस्टेक, मैं भी इंसान ही हूँ, हो सकता है गलती हो जाए, ठीक है? चलो लास्ट क्वेश्चन, ओके लास्ट क्वेश्चन में बताइए किसका नाम क्या होगा, नंबरिंग कहाँ से करेंगे और नाम क्या लिखेंगे, नंबरिंग अगेन वहीं से यहीं से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। नाम इसका क्या लिखा जाएगा, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, 2, 4, 6 ट्राई एक और गलती हुई है, इसको भी आप सुधार लीजिए, ठीक है? क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा यहां पर, चलिए 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल। ओके, थोड़ा सा आज कंसंट्रेशन की जरूरत है मुझे, लिख रहे हो क्या कमेंट बॉक्स में ये? चलो भाई, आज गलतियां हो रही हैं, कोशिश कर रहा हूँ, बट वो आप तक सही हो जा रही है, जब तक आप देख रहे हो ना तब वो सही हो जा रही है, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन आज करते हैं, अब आज गलतियां बहुत कर ली, चलो लास्ट क्वेश्चन है, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, और यहां पर आएगा बेटा क्या, टॉलुइन आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर क्या लगा है, यहां पर क्या लगा है, CH3,
ठीक है, ये है टीएनटी, ठीक है, मैं उसको उल्टा समझ बैठा, ये होता है एक बॉम्ब, ठीक है। चलो अब आज का लेक्चर आपका यहीं तक था, तो थैंक यू। और हम लोगों ने अब कंप्लीट कर लिया है क्या आईयूपीएसी, टोटल 10 लेक्चर लगे हैं, टोटल कितने लेक्चर लगे हैं 10, इन 10 लेक्चर में हमने आपको आईयूपीएसी स्टार्टिंग से लगा करके और लास्ट तक पूरा कंप्लीट कर दिया, कुछ भी मेरी तरफ से कुछ भी नहीं रह गया है। जो कुछ भी अगर आपको लग रहा हो कि सर ये चीज और करा दे दिए, और कुछ बच्चे अभी भी कमेंट यही कर रहे हैं कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दीजिए पूरे आईयूपीएसी की एक साथ, ठीक है ना, पूरे आईयूपीएसी, यानी कि वो कुछ बच्चों ने लिखा है कि सर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड साइक्लिक बाई साइक्लो स्पायरो इन सब का एक साथ आप एक बार रिवीजन करा दीजिए, मतलब क्वेश्चंस करा दें, ठीक है। तो बहुत जल्द हम आपको उसका रिवीजन कराएंगे क्वेश्चंस के थ्रू, लेकिन अभी आपको लेक्चर जो मिलेंगे वो आइसोमेरिज्म के लेक्चर स्टार्ट होंगे, ठीक है, आइसोमेरिज्म के लेक्चर बहुत जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही परसों से आपका लेक्चर आपको मिलने लगेंगे, ठीक है, यानी मंडे से आपको आइसोमेरिज्म के लेक्चर मिलने लगेंगे। आप लोग बस करना ये है कि इस वीडियो को फटाफट से लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करो, ठीक है। और बेटा एक काम बहुत ज़रूर कराना है, सब्सक्राइब आप लोगों को ज़रूर शेयर करना है, ठीक है, लोगों को ज़रूर इसको शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो सके, ठीक है। और आप लोग जितना अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, जितना ज़्यादा लाइक करते हो, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं, उतना ही ज़्यादा मोटिवेट हम लोग रहते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के और मोटिवेशन बढ़ता है, तो इसलिए आप लोग कमेंट्स और करिए, ठीक है, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन और बढ़े और आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे और बेहतरीन से लेक्चर्स आप लोगों के लिए हम लोग ला पाएं। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।